राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से गए हुए 1200 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। राबिया बसरी। राबिया बसरी ना कोई शहजादी थी, ना कोई मलका थी, ना कोई वो खूबसूरत थी, ना कोई खानदानी थी, बल्कि औरत होने के लिहाज से हर ऐब उसमें था। उनकी आदत ये थी, वो रोजाना ईशा की नमाज के बाद गुसल करके कपड़े बदल के अपने खामिन से पूछती, आपको मेरी जरूरत है? अगर वो कहते कोई नहीं है तो फिर पूछती मुझे इजाजत है? वो कहते इजाजत है, तो फिर मुसल्ले पे खड़ी हो जाती है और फजर की नमाज तक मुसल्ले पर खड़ी रहती थी। उनका खामिन जल्दी फौत हो गया, जवानी में ही बेवा हो गई। तो हसन बसरी बसरा के इमाम, क्या सारे मुसलमानों के इमाम थे, वो खुद आए, खुद चल के आए कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। वो शादी का शौक नहीं था उनको, वो तो औलाद के काबिल नहीं, शक्ल सिर्फ उनकी नेकी और उनका जो अल्लाह से ताल्लुक था, उनको ये लालच हुआ कि ये मेरी बीवी हो जाए तो इसकी तुफैल शायद मेरी बख्शिश हो जाए। तो उनके पास आए, कहने लगे राबिया मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, खुद पैगाम लेकर आए। तो उन्होंने फरमाया मेरी चार बातों का जवाब दे दो तो मैं शादी कर लेता। कहने लगे क्या? कहा ये बताओ मैं जन्नती हूं कि दोजखी हूं? कहने लगे ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ये बताओ जब अल्लाह ताला क्यामत में आमाल नामे उड़ाएगा, किसी के सीधे हाथ में आएगा, किसी के उल्टे हाथ में आएगा, मेरे सीधे हाथ में आएगा तो उल्टे हाथ में? कहने लगे ये भी कुछ नहीं बता सकता। कहने लगे अच्छा ये बताओ जब अल्लाह नेकियों को तोलेगा, किसी की नेकियां बढ़ जाएंगी, किसी के गुनाह बढ़ जाएंगे, मेरे गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां ज्यादा होंगी? क्या ये भी नहीं बता सकता। अच्छा ये बताओ जब लोग बुल सरास से गुजरेंगे, कोई पार निकल जाएंगे, कोई नीचे गिर जाएंगे, तो मैं पार निकलूंगी कि दोजख में गिरूंगी? कहने लगे ये भी मैं नहीं बता सकता। तो फिर फरमाया अच्छा जाओ मुझे तैयारी करने दो, मुझे इन चार बातों की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी के लिए वक्त कोई नहीं है। जो अल्लाह से दोस्ती लगा लेते हैं, अल्लाह दुनिया उनके लिए मुसख़र कर देते, अल्लाह दुनिया उनके पाँव में डाल देते। तो जब इनका इंतकाल हुआ, रात को इनका इंतकाल, तो अपनी खादमा से कहा बस दो चार आदमी बुला के मुझे जल्दी से दफन कर दो, किसी को ना बताओ, सुबह लोगों को बता देना और मुझे कफन देना मेरी उसी वो उस चादर में जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी। तो उन्होंने रातों रात दफन करके सुबह ऐलान किया, शोर मच गया, हाय क्यों बताया, क्यों नहीं बताया, क्यों? तो अगली रात उनकी खादमा ने उनको ख्वाब में देखा, सब्ज लिबास पहना हुआ, हुस्न जमाल, सूरज चेहरे पे चमक रहा। पूछा आपके साथ क्या हुआ? कहा मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बहुत उमदा मामला किया। कहा आपकी वो चादर कहाँ गई जिसमें आपको कफन दिया था? कहा वो अल्लाह ताला ने उतार ली है और मुझे जन्नत का जोड़ा पहनाया है और उस चादर को अल्लाह ने संभाल के रखा है, जब क्यामत के दिन मेरी नेकियों को अल्लाह तोलेगा तो उस चादर को भी उसमें तोलेगा। उन्होंने पूछा मुनकर नकीर का क्या हुआ? कहा वो आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा मन रब्बू की, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है? तो मैंने मुनकर नकीर से कहा जिस अल्लाह को 40 साल नहीं भुलाया उसको चार हाथ जमीन के नीचे आकर मैं भूल जाऊंगी, कि जिस रब को 40 साल मैं न भुला सकी उसको चार हाथ जमीन के नीचे आकर मैं भूल जाऊंगी। तो मुनकर नकीर ने कहा इसका आगे क्या हिसाब लेना, चलो भाई वापस चलो।